प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संकेतवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठवा संदेहवाचक, सातवा आज्ञावाचक और आठवां विस्मयादिवाचक वाक्य। आइए अब हम एक एक करके इनकी व्याख्या करते हैं। पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को हम ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, पेड़ हमें शीतल वायु प्रदान करते हैं, भारत एक देश है। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है कि इन वाक्यों में हमें न तो कोई प्रश्न करना पड़ रहा है, न तो कोई संदेह है, न कोई आश्चर्य है, न कोई घृणा है, वरन हम इन वाक्यों को सामान्य रूप से स्वीकार कर ले रहे हैं, इसीलिए इन वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य का दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ है मना कर देना। बच्चों, जिन वाक्यों में किसी काम के न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों को न, मत, नहीं आदि शब्द लगाकर बनाया जाता है, जैसे मोहन आज विद्यालय नहीं जाएगा, उसने सत्य नहीं बोला, मैंने पत्र नहीं लिखा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं फूल नहीं तोड़ूंगा आदि। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों को पहचानना बहुत ही सरल होता है। जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। बच्चों, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे बाहर कौन खड़ा है, क्या तुमने कविता याद कर ली, तुम्हें किससे मिलना है। इन वाक्यों को बनाने के लिए हमें क्या, कब, कैसे, किससे, कहां आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। वाक्य का चौथा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा देने अथवा लेने का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है, जैसे मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाया करो, कृपया मेरे लिए एक पत्र लिख दो, बच्चों पढ़ने जाओ, सब चुपचाप बैठो। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि किसी न किसी को आदेश दिया जा रहा है। इसी प्रकार क्या मैं घर जा सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, इस वाक्यों में हम अनुमति मांगते हैं। अतः जिन वाक्यों से आज्ञा देने अथवा अनुमति लेने का बोध होता है उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य का पांचवा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, आपकी यात्रा मंगलमयी हो, आपको 9 वर्ष की शुभकामनाएं, इसके अतिरिक्त तुम्हारा कल्याण हो, चिरंजीवी भव, तुम्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। ऐसे शब्द जिसमें हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। वाक्य का छठा प्रकार है विस्मयादिवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों का प्रकट होता है उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे वाह क्या छक्का मारा है, आह कितना सुंदर मौसम है, हाय चोरों ने सारा माल साफ कर दिया, अरे
यह पत्र तुमने लिखा है? इन वाक्यों को पहचानना अत्यंत सरल है। बच्चों, इन वाक्यों में जहाँ कहीं भी विस्मयादिवाचक चिन्ह लगा दिखाई दे, वह वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। वाक्य का सातवां प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम पूरा होने में संदेह का भाव प्रकट होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, संभवतः इस वर्ष अच्छी वर्षा होगी, मोहन घर पहुंच चुका होगा, शायद अगले साल कोरोना खत्म हो जाएगा, राजू ने पत्र लिख लिया होगा। इन वाक्यों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि कार्य होने में संदेह है, अतः ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य का आठवां और अंतिम प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, धूप निकलती तो कपड़े धोता, तुम पढ़ाई करते तो पास हो जाते, यदि बड़े आशीर्वाद देते तो खुशहाली आती। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना दिखाई पड़ रहा है, अतः ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।